तो भाई कैसे हो यार? आप सब लोग आशा कर रहे हो अच्छे होंगे। आगे है मेरा एक नया वीडियो जिसमें मैं एक नया प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और उसको सोल्यूशन भी आपको दूंगा, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है मैंने बहुत पहले से फेस कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका सोल्यूशन जो है वो मुझे आज मिला है, ठीक है। इसकी वजह से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये नॉर्मली बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है देख लीजिए। मैं जब नेटविंस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, नेटविंस ओपन करने के बाद कुछ ऐसा जो है पॉपअप बॉक्स शो करता है जिसमें बोलता है कि इनवैलिड जेडीके होम स्पेसिफाइड। देखो इसका मतलब ये है, जब आपने नेटविंस को इंस्टॉल किया था तभी उस इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही जो है आपसे मांगा जाता है कि आप कौन सा जेडीके यूज करना चाहते हैं और वो जेडीके आखिर है कहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है एक लोकेशन देना होता था और फिर इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर करना होता था, ठीक है। पर जब आप यूज करते हैं तब क्या होता है, यूज करने के साथ साथ जेडीके का लोकेशन किसी वजह से चेंज हो गया है या कुछ और इशू आ गया है जिसकी वजह से नेटविंस ओपन करते टाइम ये वाला प्रॉब्लम शो करता है जिसमें बोला जाता है कि जेडीके को ढूंढ नहीं पा रहे हैं हम। तो नेटबीन्स को समझाना होता है कि कौन से जेडीके से उसको ओपन करना है। तो इसको अगर यस करेंगे तो देखिए ये फिर से बोल रहा है कि नहीं नहीं हो सकता, मैं ढूंढ नहीं पा रहा, ठीक है। इसका दो सोल्यूशन है, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। सबसे पहले पहला सोल्यूशन मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आपने जेडीके को डाउनलोड करके रखा है, जैसे कि मैंने देखी ये जेडीके फोल्डर के अंदर 3 जेडीके रखे, ठीक है। एक सोल्यूशन है कि इसको जेडीके 8 जो है इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर अभी आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि DJDK-8 हाइफ़न है पर हम लोगों ने तो हाइफ़न दिया ही नहीं। तो जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे भी देना होगा। अगर अभी हम लोग JDK चेंज करने के बाद ओपन करेंगे तो देखिए ये हो गया, ठीक है, नेटविंस हमारा ओपन हो गया। ये एक सोल्यूशन है। दूसरा सोल्यूशन क्या है, चलिए दूसरे सोल्यूशन के बारे में कुछ बात करते हैं। दूसरा सोल्यूशन ये है कि जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो JDK फोल्डर के अंदर मैंने 3 JDK रखे हुए हैं उनमें से JDK 8 जो है ये हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, JDK 8 को सिलेक्ट करके इसका पाथ जो है कॉपी कर लेंगे, ठीक है। करने के बाद क्या करेंगे, हमने जहां पे नेटबीन्स को इंस्टॉल करके रखा था, ठीक है, हम उस वाले जगह पे जाएंगे। जैसे कि मैंने डाउनलोड करके इसे लोकल डिस्क डी पे रखा था, ठीक है, तो मैं लोकल डिस्क डी में जो है इसको इंस्टॉल किया था। जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। बहुत से लोग जो है ऐसा कुछ करते नहीं है, वो नॉर्मली सिंपली क्या करते हैं, लोकल डिस्क सी में इंस्टॉल हो जाता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो आप वहां पे जाके ये फोल्डर ओपन कर सकते हैं। तो मैंने डी पे रखा था, जो भी हो। तो नेटबीन्स फोल्डर के अंदर आने के बाद ETC नाम का फोल्डर आपको मिलेगा, ETC में जाइए। उसके बाद netbeans.conf नाम का एक फाइल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो व्यूज पे क्लिक कीजिए, करने के बाद शो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है फाइल नेम एंड एक्सटेंशन जो है ऐसा ऑप्शन है इसको टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो .conf है ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, या राइट साइड में भी आप देख सकते हैं .conf फाइल। तो इसमें राइट क्लिक कीजिए, करने के बाद ओपन इन नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस। मैं नोटपैड प्लस प्लस पे करता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो नॉर्मली आप एक ऐसे पेज में आएंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या करना है, नीचे आना है। बिल्कुल नीचे आने के बाद देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है नेटबीन्स JDK होम। आपको सिंपली इसको चेंज करके जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट करना है, उसके बाद सेव करना है। करने के बाद इसको बंद कर दीजिए और अभी अपना नेटबीन्स जो है चालू कीजिए। तो देखिए ये हमारा नेटबीन्स चालू हो गया। पर एक और चीज गौर कीजिए, ये सबके साथ नहीं होता है पर अगर आपके साथ होता है तो ये भी आप देख लीजिए। ये भी एक इशू है जिसमें बोलता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे प्रॉब्लम का नाम क्या है, रिजॉल्व मिसिंग सर्वर प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब नेटबीन्स पे जो है एक सर्वर को ऐड करना होता है तो कुछ सर्वर को वो कुछ ही वजह से वो ढूंढ नहीं पा रहा है, तो हमको जो है प्रॉब्लम फिक्स करना है एक सर्वर को ऐड करके। दो तरीके से फिक्स किया जा सकता है। पहला, राइट क्लिक कीजिए जिस पे प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे जो है एक ट्राइंगुलर दिखा रहा है, या फिर आप प्रोजेक्ट के ऊपर होवर करेंगे तो ऐसा कुछ
प्रॉब्लम्स दिखा सकता है, ठीक है। नॉर्मली प्रॉब्लम को समझने के लिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट क्लिक कीजिए, रिजॉल्व मिसिंग सर्वर प्रॉब्लम पे क्लिक कीजिए, ऐड सर्वर करने के बाद ये जो ग्लासफिश सर्वर है, हम ग्लासफिश सर्वर यूज करेंगे। उसमें जो नाम आप देना चाहते हैं दे दीजिए, 4.1 में देना चाहता हूँ ग्लासफिश सर्वर। नेक्स्ट करने के बाद आपका ग्लासफिश सर्वर जहाँ पे है लोकेट कीजिए, जैसे कि मेरा ग्लासफिश सर्वर लोकल डिस्क डी के अंदर, ग्लासफिश सर्वर फोल्डर के अंदर ग्लासफिश सर्वर 4.1 चूज करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। अगर आपने पहले बनाया होगा डोमेन तो आपको यहाँ पे डोमेन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं बनाया हुआ है तो आपको कुछ नया बनाना होगा, ठीक है। पर मेरा बनाया हुआ था, देखिए रजिस्टर एग्जिस्टिंग डोमेन लिखा ही आ रहा है कि मेरा एग्जिस्टिंग डोमेन है, मैं फिनिश कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है, इसको बस ओके करने के बाद देखिए ये नॉर्मली हमारा जो एरर था वो सॉल्व हो गया। अगर अभी हम कोई चीज रन करने की कोशिश करें, क्या ये रन होगा, चलिए देखते हैं। हाँ हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, पर अभी हम थोड़ा सा वैल्यू देंगे कैलकुलेट। हाँ बिल्कुल हमारा ये रन हो रहा है, आप देख ही सकते हैं मैं जेएसपी प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ, मतलब बिना सर्वर के ये रन कर ही नहीं सकता। तो हमारा जो भी इशू था हमने सब सॉल्व कर दिया, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप नेटबीन्स 8 पे ही ऐसा कर सकते, आप नेटबीन्स 19 जो है 19 पे भी सेम चीज अप्लाई होता है। पहले क्या करना है आपको, जिस फोल्डर पे अपने रखा है नेटबीन्स 19 को इंस्टॉल करके वहां पे जाइए, नेटबीन्स फोल्डर पे घुसिए, उसके बाद etc netbeans.conf राइट क्लिक, ADT नोटपैड नीचे आइए। नीचे आने के बाद सेम वैसे ही JDK होम जो था यहाँ पे ये वैल्यू चेंज कर दीजिए अपने JDK के हिसाब से, और फिर इसको सेव कर दीजिए। करने के बाद अपने नेटबीन्स को ओपन कीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपका प्रॉब्लम का सलूशन बन चुका होगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो नीचे कमेंट में बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। नीचे आपको मेरा डिस्कॉर्ड का सर्वर लिंक भी मिल जाएगा जिस पे आप ज्वाइन करके मेरे साथ प्रॉब्लम डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले और नए वीडियो पे, और मेरे चैनल्स पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव या यूनिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस जो है मैं लाता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर दीजिए, ठीक है। चलिए गुड बाय।